हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आप लोगों को वैसलीन के 5 ऐसे यूज़ बताऊंगी जिसको अप्लाई करने के बाद आपकी जितनी भी फेस या फिर आपकी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। वैसलीन फॉर हेयर। अगर आपके भी बाल फ्रीजी और रूखे लगते हैं तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और इसको आपको अपने दोनों हाथों के बीच में अच्छे से रब करना है और उसके बाद हल्का हल्का आपको अपने पूरे बालों में लगाना है। इससे आपके बालों की जो फ्रीजीनेस होती है वो चली जाएगी और साथ ही साथ बालों में एक अलग सी शाइन भी आएगी। वैसलीन फॉर नेल्स। अब नेल्स को साफ करने के लिए आपको थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और इसमें आपको थोड़ी सी ही ग्लिसरीन ऐड करनी है। अब इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको आपको अपने सारे नेल्स पर अच्छे से लगाना है। इससे आपके नेल्स की सारी गंदगी चली जाएगी और साथ ही साथ जो हमारे नेल्स के पास ड्राइनेस हो जाती है, फिर हमारी चट जो उखड़ जाती है, इससे वो भी ठीक होगी। उसके 5 मिनट बाद आपको कॉटन लेनी है और आपको अच्छे से, जिस तरह से हम स्क्रबिंग अपने फेस की करते हैं उसी तरह से आपको नेल्स की भी स्क्रबिंग करनी है। ये आपके नेल्स को साफ सुथरा बनाएगा और साथ ही साथ आपके नेल्स में शाइन भी देगा और अच्छे से ग्रो भी करेगा। वैसलीन फॉर पिंपल्स एंड एक्ने। अगर आपको पिंपल्स और एक्ने को एक ही यूज में ठीक करना है तो ये वैसलीन का यूज आपके लिए ही है। आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और इसमें आपको थोड़ी सी वैसलीन ऐड करनी है। अब इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है और आपके जहाँ पर भी एक्ने या पिंपल्स हो गए हैं इसको आपको वहाँ पर लगाना है, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। वैसलीन फॉर ड्राई स्किन। वैसलीन के इस यूज़ के लिए आपको थोड़ा सा बेसन लेना है, इसमें आपको थोड़ी सी वैसलीन ऐड करनी है और इसका आपको पेस्ट बनाना है कच्चे दूध के साथ। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये आप अपने फेस पर लगा देंगे, क्योंकि गर्मियों में हमारे फेस पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये आपको अलग से इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये पैक लगाना है और इसको जब ये ड्राई हो जाए आप इसको वॉश कर देंगे। आप देखेंगे कि इसको यूज़ करने के बाद आपके फेस पर जितने भी एक्ने पिंपल्स थे वो ख़त्म होंगे और साथ ही साथ आपके फेस पर ड्राइनेस भी खत्म होगी और मॉइस्चराइजर भी आएगा। वैसलीन फॉर मेकअप रिमूवर। अगर आपका भी मेकअप रिमूवर खत्म हो गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वैसलीन काम आएगी। आपको थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और इसको आपको अच्छे से अपने पूरे फेस पर लगानी है। उसके बाद आपको जेंटल हाथों से इसको रब करना है। इसमें जितना भी मॉइस्चराइजर होता है उसकी वजह से हमारा सारा मेकअप जो है वो कॉटन में आ जाएगा और इसको आपको कॉटन की हेल्प से रिमूव करना है और ये आपके फेस को ड्राई भी नहीं होने देगा। और आपने इन 5 में से वैसलीन का कौन सा हैक ट्राई करा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।